रुको एक मिनट, सुबह सुबह में तुम लोग, एक मिनट, हेलो पनोड़ी भैया, दीपक, कैसे? मैं बहुत ही ठूक हूँ। मैंने तुझे प्रॉमिस की थी कि वो विक्रांत की आईडी उड़ाऊंगा मैं। पनौड़ी आर्मी ने उसकी आईडी उड़ा दी भाई। अरे बाप रे। लेकिन जाने दो। देखो पनोड़ी भैया, मुझे पता है कि आप बहुत पावरफुल इंसान हो, लेकिन मैं आपके आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अगर हमारे साथ कोई बुरा करता है तो भी मतलब जाने दो, छोड़ो यार। मतलब मैं तो, बट मैं क्या कहूं यार पनौड़ी भैया, छोड़ो। अरे अच्छा नहीं सुनो पनौड़ी नहीं भैया, ये देखो हाँ ये कश्मीर को कितना खूबसूरत है, और आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप यहाँ पे कश्मीर में आओगे। ये हाँ पक्का देखो पक्का। पनौड़ी मैं भैया, ये मेरा शिकारा है, और अभी मैंने इसमें खाना खाया शिकारा में। और तुम्हें पता है मैं अभी आज इसमें कितने घंटे घूमने वाला हूँ? मैं अभी आज इसमें 6 घंटे घूमने वाला हूँ। राइट 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 राइट। वाह, सनसेट बहुत ही अच्छा है दीपक। पनोड़ी भैया, आप लास वेगस जाते हो और वहां पे आप 10 लाख रुपए जुए में हार जाते हो, लेकिन मैं आपको गुजारिश करूंगा कि आप लास वेगस में जाकर जुए में पैसे उड़ाने से अच्छा आप कश्मीर में आओ, ताकि यहाँ के जो लोग हैं, जो मेहनत करते हैं और जो शिकारा चलाते हैं, उसके बाद में जो लोग यहाँ पे चाय कॉफी बेचते हैं, तो उनको राइट रोजगार मिले। और मैं चाहता हूं कि आप सबकी हेल्प करो। हाँ पक्का। मैं दीपक आऊंगा नवंबर में, एंड आई एम गोइंग टू स्पेंड अ गुड मनी ओवर देयर। तो लोगों को वो मेरे पैसों से हेल्प होगी, तो मैं हाँ, पक्का मैं नवंबर और में यहाँ के आऊंगा। लोग बहुत अच्छे हैं। ये देखो, ये भैया भी हाँ बहुत अच्छे हैं। इस चाचा इनका को नाम तुम, नजरा है। इस नजरा भैया, चाचा, इधर आओ, हाँ भैया, इधर आओ, इधर आओ। मैं आपकी बात करवाता हूँ मेरे दोस्त से। इधर बैठो। नजरा नजरा भैया बहुत अच्छे हैं। और बेटा आप कैसे हो? हम ठीक है, आप ठीक हो? हाँ बेटा, हमने अभी चाय पिया। आपका नाम क्या है? अच्छा, ये नजरा भैया है, ये बहुत अच्छे हैं। मेरा दोस्त न्यूयॉर्क में रहता है, उसको हाय करो। हाँ भाई भाई, कैसे नजरा हो भैया, नजरा भैया? आप पूरा महीना मेरे लिए शिकारा चलाते हो, है ना? मैंने आपको पूरे महीने के लिए बुक किया है, हाँ और आज हम लोग कितना घंटा घूमेंगे? अच्छा, 8 बजे तक। अच्छा, और हम लोग कितने बजे बैठे? किन किन बजे बैठे? मतलब आज हम लोग 5 घंटा घूमेंगे। हाँ और अगर मेरे दोस्त आते हैं और वो अगर कहते हैं कि हम ज्यादा घंटा घूमेंगे, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। हम लोग 10 बजे तक भी घूमेंगे। देखो 11 बजे तक। मतलब ये भैया के साथ मेरी बात हुई है 5 घंटा, लेकिन अगर मैं इन्हें पैसे बढ़ा के दूंगा तो भैया 11 बजे तक भी घूमेंगे। देखो कितने कोऑपरेटिव है, राइट यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। आप मेरी वीडियो देखते हो? हाँ, मैं देखता अच्छा, मेरा नाम क्या है बेटा? हूँ। अच्छा, मेरा कौन सा वीडियो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? अच्छा, हेलो, मेरे वीडियो का नाम है बुचुस शिकसलार। ठीक है, ओके, चलो बाय। तो दीपक, वहां पे अभी चलो वेदर अभी कैसा है? वेदर क्या कैसा हुआ? है वहां पे वेदर कैसे? ठंड हो रही है क्या? ठंडी मत है? यहाँ पे वेदर बहुत बहुत अच्छा है। यहाँ पे वेदर जो है वो ज्यादा ठंडा भी नहीं है और ज्यादा गर्म भी नहीं है। यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा है। अच्छा, ये हेयर स्टाइल तूने बहुत अच्छी कराई है, इसमें तू बहुत अच्छा लग रहा है इस हेयर स्टाइल में। नहीं, एक्चुअली ये जो हेयर स्टाइल है ना, मैंने ज्यादा इसको बारीक की है, लेकिन मतलब ये एडजस्ट हो जाएगी। मतलब जैसे 10-15 दिनों में ये एडजस्ट हो जाएगी। मैं राइट एक्चुअली अभी राइट बाल बढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि राइट मेरे बाल जो है ना वो बहुत छोटे हैं, तो मैं बाल बढ़ाऊंगा तो मैं अच्छा दिखूंगा।
राइट, तो अभी तो 8 बजे नहीं बेटा, मैं आज नहीं पीऊंगा लेकिन मैं कल कहवा जरूर पीऊंगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने चाय पी। नजरा चलो अभी तुम शिकारा चलाओ, चलो अभी तुम वहां पर चलो। अच्छा तो ये दीपक लेक कितना किलोमीटर का ये लेक है? ये जो लेक है ना ये बहुत बहुत बड़ा है, और उसके बाद में एक्चुअली जो दूसरे जो लेक है ना वो भी इसको कनेक्टेड है, मतलब राइट, जैसे राइट। और अभी तुम्हें देखो इसके ऊपर तुम्हें ये छत दिखाई दे रहा है, बराबर है? तो कल से मैं ये छत उतार दूंगा, क्योंकि कल से मैं शाम को 5 बजे से घूमूंगा। राइट राइट राइट। जैसे आज मैं 3 बजे निकला ना घर से, लेकिन कल से मैं शाम को 4:30-5 बजे निकलूंगा, तो फिर मैं ये छत जो है ना मैं हटा देता हूँ ये छत को। राइट राइट। तुम सच बताओ पनोड़ी भैया, तुम्हारा भी मन कर रहा है ना यहाँ पे आने का? हाँ मुझे ये सनसेट बहुत ही प्यारा लग रहा है यार, मुझे ये सनसेट देखना। और तुम्हें पता है जैसे कि न्यूयॉर्क है, उसके बाद में तुम वहां पे समंदर किनारे रहते हो, लेकिन यहाँ के लोगों का प्यार तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। राइट राइट। अभी वहां पे न्यूयॉर्क में कितने बजे हैं? यहाँ पे अभी 8:30 हुए यहाँ पे। अच्छा अच्छा ओके, तो अभी मैं उठा हूँ। ओके ओके, फिर मैं वापिस सो जाऊंगा अभी 2-3 घंटे। नहीं भैया अभी उठे तो आप अभी आप मत सो जाना, अभी आप हमसे गप्पे मारना। अभी मैं आपको तालाब और भी आगे दिखाऊंगा, बहुत सारा ये बड़ा तालाब है ना, तो अभी मैं आपको एक एक स्पॉट दिखाऊंगा। देखो अभी जिस स्पॉट पे हम है इसको कहते हैं ओपन लेक, और अभी सामने जो आ रहा है ना तो वो है नेहरू पार्क। ये देखो जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ना, ये नेहरू पार्क है, मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत सारे सैलानी ऐसा लग रहा है मुझे, बहुत सारे सैलानी है वहां पे अभी। हाँ अभी यहाँ पे सैलानी आए हैं, और मुझे पता है कि आप मेरे शब्द यूज करते हो, क्योंकि ये सभी जो शब्द है ये सैलानी वगैरह ये सब ये मेरा शब्द है ये सैलानी। सुन सैलानी से तेरा एक डायलॉग बोलता हूँ, मैं हूँ सैलानी और रात को फैलानी। यार पनौड़ी भैया मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर इस दुनिया में दीपक कलाल का कोई ट्रू फैन होगा तो वो पनौड़ी है, क्योंकि आपको मेरे वीडियोस के ऐसे ऐसे डायलॉग पता है कि जो वीडियो मतलब इतने ज्यादा फेमस नहीं हूँ, क्योंकि ये डायलॉग आपने बराबर कहा है कि मैंने एक वीडियो में कहा कि मैं एक सैलानी हूँ, दिन में सैलानी और रात को पैर फैलानी। तो मुझे याद है ये डायलॉग, और उसके बाद में आपने वो जो वीडियो बोला ना वो सुन के तो मुझे बहुत हंसी आई कि मेरी एक फ्रेंड है और वो रंजी है और उसका नाम बोबो गोदरेज है, और आज मैंने उसके लिए केक काटा। भैया देखो आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत पावरफुल हो, लेकिन आप भैया ये जो आईडी उड़ाने का काम करते आप ये मत करो प्लीज। क्योंकि आप सिर्फ एक आदेश दे देते हो कि अभी ये आदमी की आईडी उड़ा दी जाए और उसके बाद में उसकी आईडी उड़ जाती है, क्योंकि आपके पास ये जो आर्मी जो है पनौड़ी आर्मी, तो मुझे लगता है वो कुछ 400-500 लोगों की आईडी है। right. और वो आपके ऊपर बहुत प्यार करती है पनौड़ी आर्मी, मुझे खुद ये बात पता है, क्योंकि उनको आपका जो नेचर है पनौड़ी आर्मी को वो बहुत पसंद है और वो आपके आदेश के अनुसार चलती है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा, यहाँ पे कहाँ जा रहे हो, यहाँ से चलो। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि जाने दो भैया, देखो मतलब आप किसको डांटो भले किसको गाली दो, बट आईडी मत ये करो आप, बस यही मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। क्योंकि देखो भैया अगर दुनिया बुरी है ना तो रहने दो, हमें नहीं बनना है बुरा भैया, हम अच्छाई से लोगों का दिल जीतेंगे। और भगवान की दया से आपके 240 शॉप से न्यूयॉर्क में, भगवान की दया से आपको इतना सब कुछ मिला है जिंदगी में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर किसकी आईडी अगर आप उड़ाए ना उड़ाए, क्योंकि हम लोगों का जो स्टैंडर्ड है वो काफी आगे है। हाँ वो तो मैं मानता हूँ दीपक यार, लेकिन उसने तुझे गाली दी ना मेरा दिल टूट गया है, सच बता रहा हूँ मैं तुझे। मुझे पता है कि अगर कोई भी मेरे साथ बुरा करता है तो आप मेरे लिए स्टैंड लेते हो,
बड़े बड़े लोगों के साथ आपने मेरे लिए पंगा लिया है, बड़े बड़े लोगों के साथ आपने मेरे लिए दुश्मनी मोड़ ली है, और मुझे पता है कि आप मुझे बहुत 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 ज्यादा प्यार करते हो, बट यही है भैया कि चलो छोड़ो, मतलब क्या कहूं मैं, नो अगर दुनिया बुरी है तो हम क्या कर सकते हैं बताओ। क्योंकि देखो भैया, मैंने तो उससे फेम दिया, उसके बाद में उसने मुझे मेरे मम्मी को बैंक में भेजा और उसने मुझे गालियां भी दी, और उसके बाद में तो वो मुझे और भी ये करने लगा, बट चलो छोड़ो, जाने दो, ऐसे कुछ नहीं है। देखो भैया मैं आपको बताऊंगा, ये नेहरू पार्क है, ये देखो, ये सबसे फेमस स्पॉट है और इसको कहते हैं नेहरू पार्क। ये देखो, ये है नेहरू पार्क, तो अगर आप देखोगे ना तो बिल्कुल ये पानी से करीब है ये नेहरू पार्क। और अभी हम लोग जिस लेक में जा रहे हैं उसका नाम है गोल्डन लेक, और अभी कल ये भैया जो है ना ये छत हटा देंगे, तो ये छत हटाने के बाद में मेरे वीडियोस बनाऊंगा, आज मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया है। नजरा आप कल ये छत हटा देना, और कल आप कितने बजे आना पता है? नहीं नहीं 3 बजे नहीं, कल आप आना 4 बजे, 4 बजे आना, 3 बजे मत आना, ओके? हेलो, तो आप आज तुम दीपक कितना घंटा घूमेगा इस मैं 5 घंटा घूमूंगा, मतलब 3 बजे मैं बैठा हूँ तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 4, 5, 6, 7, 8 हाँ 5 घंटा घूमूंगा मैं। तो 5 घंटे का तूने कितना पे किया वो नजराना भैया को? यार देख मैं तुझे अभी सच बताता हूँ, देख मेरा इसका महीने का चलता है, मतलब मैं इसको महीने का देता हूँ 15,000, लेकिन उसमें कैसे है कि 15,000 मैं इसको देता हूँ, लेकिन मैं घूमता नहीं हूँ बहुत बार। जैसे देख अभी एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं अभी 3-4 दिन के लिए सोनमर्ग जा रहा हूँ, तो मैं सोनमर्ग जाऊंगा तो मैं थोड़ी इसके साथ घूमूंगा, तो तू ऐसे समझ कि मैं इसको महीने में इसके साथ में घूमता हूँ 16 दिन घूमता हूँ, 16-17 दिन, लेकिन मैं इसको महीने का 15,000 देता हूँ, तो तू ऐसे समझ कि मैं इसको देता हूँ ऐसे 800-900 रुपया देता हूँ मैं इसको, 800 रुपया देता हूँ ऐसे इतना घंटा घूमने का। लेकिन ये जो रेट है ना ये बाकी के लोगों के लिए नहीं है, देखो बाकी के लोगों के लिए 1 घंटे का 800 है, समझा तू? राइट। हाँ, जो बाकी के जो लोग है ना टूरिस्ट, तो उनको 1 घंटे 800 है, लेकिन मेरे लिए 5 घंटे का 800-900 रुपया है 5 घंटे का। राइट, क्योंकि मैं इसको एक साथ देता हूँ से महीने के। राइट। तो अभी तू कितना रुकने वाला है कश्मीर में? मैं यहाँ पे भैया 2 महीने रुकूंगा, तो दिसंबर तक तू, नवंबर एंड तक वहाँ पे ही है तू? भैया मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, यू नो मेरा सपना है कि मैं आपको मिलूं, क्योंकि आप बहुत बहुत अच्छे हो और आप मुझे बहुत प्यार करते हो। तुम्हें पता है भैया मैंने मेरे मम्मी को भी कहा आपके बारे में, मैंने मेरे मम्मी को कहा कि एक भैया है, और तुम्हें पता है जस्टिन मथारू ने तुम्हारे बारे में क्या कहा? जस्टिन मथारू ने तुम्हारे बारे में कहा कि वो दिन तुम उसे चप्पल दिखा रहे थे और उसने सर नीचे किया और उसने कहा कि वो मुझे चप्पल मारो दीपक, उसने मुझे बहुत डांटा, तो मुझे जस्टिन ने कहा कि तुमने क्यों उनको ऐसे कहा, आज वो इतने बड़े बिजनेसमैन है, उनके 240 शॉप्स है और तुमने ऐसे किया। तो फिर मैंने जस्टिन मथारू को कहा कि उन्हें पता है कि मैं क्रिंज कॉमेडी करता हूँ और वो मेरी बातों का बुरा नहीं मानते हैं। फिर वो हंसने लगी, कहने लगी ठीक है अगर वो बुरा नहीं मानते तो ठीक है, लेकिन अगर वो बुरा मानते तो उन्हें सॉरी कहो। तो मैंने कहा नहीं नहीं वो सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, भैया को पता है कि मैं कॉमेडी करता हूँ भाई, और आप मेरी कोई भी नहीं मानते हो ना? कभी नहीं मानता यार मैं तो, शायद मैं तेरी कोई शायद तेरी बात कोई मैं बुरी नहीं मानता, इसीलिए मैं तेरी वजह से इंडिया में इतना फेमस हुआ। और तुम्हें पता है भैया तुम हमारे दोस्ती को 5 साल हो गए, ना हमारा कभी झगड़ा हुआ ना कुछ, और तुम्हें पता है हमारा झगड़ा कभी भी नहीं होगा क्योंकि तुम किसी भी बात का बुरा नहीं मानते हो। राइट। यार बुरा लगाने वाली कोई बात ही नहीं है ना भाई, देखो मैं तो सीधी बात बोलता हूँ कि गाली खाने में भी मजा आता है और गाली देने में भी मजा आता है, दोनों में बहुत मजा आता है। तुम्हें पता है भैया बहुत सारे जो लोग है ना जो मेरे ऊपर गुस्सा थे, उन्होंने देखा कि अगर पनौड़ी भैया इतने बड़े आदमी हैं, अगर ये 10-10 लाख रुपए जुबे में हारते हैं, आज इतनी बड़ी हस्ती है,
और वो दीपक को कहते हैं कि मुझे गाली मार, मुझे कुछ भी कर, तो तुम्हें पता है भैया वो लोगों को समझ भी नहीं आया यहाँ के इंडिया के लोगों को, वो कहने लगे भाई ये इंसान कहाँ से आया है, इतनी बड़ी हस्ती दीपक को बोल रहे कि भाई मेरे को गाली दो, मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें पता है भैया तुम्हारा जो कैरेक्टर है ना वो एक बहुत अलग चीज है इंडिया के लिए। राइट राइट। और तुम्हें पता है भैया तुम्हारी इतनी फैन फॉलोइंग है, तुम बिलीव नहीं करोगे, मैं यहाँ पे कश्मीर में घूमता हूँ ना तो लोग मुझे ऐसे कहते हैं कि पनौड़ी भैया आने वाले हैं कश्मीर, क्या पनौड़ी भैया आने वाले हैं। भैया तुम्हारी इंडिया में फैन फॉलोइंग बहुत बहुत ज्यादा तगड़ी है। अरे यार तेरी वजह से ही है ना सब कुछ, मैं तो तुझे ही, मैंने जो कुछ भी सीखा तेरे से ही सीखा है, जो कुछ भी मैं करता हूँ तेरी वीडियो, जितने भी पुरानी तेरी वीडियो है उसका कुछ ना कुछ पार्ट को मैं प्ले करता हूँ और कुछ चीजें मेरी होती है। लेकिन तुम्हें पता है भैया तुम्हारी जो क्रिंज कॉमेडी है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम सामने वाले को जीत मतलब तुम्हारे सामने कोई गुंडा आता है और वो गुंडा जो है वो गले में माला वाला डाल के हथियार लेके तुम्हारे सामने आता है और तुम उसे कहते हो क्या हुआ बेटा? अच्छा अच्छा बेटा, अभी वो वीडियो मेरे पास नहीं है तो तुम बेटा टाइप कर सकते हो गूगल में वुचू शिकसला तो दीपक कलाल, तुम्हें वो वीडियो मिल जाएगा, वो मेरा सबसे फेमस वीडियो है। इसको फोटो एक उठाओ। हाँ अभी बेटा मैं बिजी हूँ तो आपके मोबाइल से मेरा फोटो उठा सकते हो। हमारे पास फोन नहीं है। अच्छा ठीक है बेटा तो मैं बाद में उठाऊंगा। ओके मैं इधर ही हूँ दो महीने के लिए तो मैं तो बेटा मैं आपका हाँ बेटा तो मैं कल आपका फोटो उठाऊंगा। ओके ठीक है चलो बेटा बाय टाटा। एक्चुअली कैसे है ना मैं मतलब ज्यादा मोबाइल वगैरह किसके हाथ में नहीं देता हूँ, कैसे है ना ये पानी में गिर सकता है मोबाइल तो हाँ जैसे लड़के कुछ सेल्फी वगैरह उठाएंगे ना या कुछ भी ऐसे करेंगे, क्योंकि एक बार ऐसे हुआ है कि बहुत सारे टूरिस्ट लोगों के मोबाइल जो है ना वो पानी में गिरे हैं। तो ये लेक में तुम स्विमिंग नहीं कर सकते हो दीपक, अगर आपको स्विमिंग करना है तो नहीं भैया देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे आपके न्यूयॉर्क में जो तालाब होते हैं या जो भी नीट एंड क्लीन होते हैं तो वो सिस्टम यहाँ पे नहीं है। अभी जितनी भी हाउस बोट है ना तो जो लोग टॉयलेट करते हैं टॉयलेट तो वो नीचे चला जाता है, समझे आप? अच्छा 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 हाँ तो ये मसला है। तो यहाँ पे कैसे है ना भैया जैसे फॉरेन में जैसे कि वहां पे जो टॉयलेट सिस्टम होता है तो वो तालाब में अगर कोई हाउस बोट है या कोई चीज है तो उसका जो टॉयलेट है वो प्रॉपर सिस्टम होता है, तो वैसे यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे वो जो पानी जो है वो तालाब में चला जाता है टॉयलेट का पानी, तो मुझे तो वो गंदा ही लगता है इसीलिए मैं ना तो मैं तालाब में इतना हाथ डालता हूँ या कुछ। बट यहाँ पे ऐसे नहीं है, देखो यहाँ पे क्या क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे यहाँ पे है ना भैया गंदी स्मेल नहीं है। हेलो हाउ आर यू? फाइन, कम ऑन जॉइन मी, यू आर फ्रॉम? सो कम लेट्स हैव अ नाइस टॉक। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्चुअली अभी एक फैन था दिल्ली से था तो उसने मुझे हाई किया तो मैंने कहा कि तुम मुझे ज्वाइन हो सकते हो। हेलो और कैसे हो? हेलो 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 और कहाँ से हो आप लोग? आप लोग कहाँ से हो? अरे अरे सुनो, अरे वो फैंस है वहां पे। हेलो, अरे ठीक है चलो जाने दो, चलो आगे चलो। हाँ तो अरे बाप रे, ये मुझे टकले टकले कह रहे हैं। सुनो वो लोग मुझे टकले टकले कह रहे हैं, भागो यहाँ से मुझे लगा कि वो मेरे फैंस है मुझे लगता है कि मुझे ये लाइव बंद कर देनी चाहिए नहीं तो यूट्यूब पे वीडियो आएगी दीपक कलाल विद हिज हेटर्स मुझे इतनी शर्म आ रही है, मुझे मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है क्योंकि मैं कह रहा हूं कि लोग मेरी यहाँ पे आराधना करते और पीछे से आवाज़ें आ रही है वो टकले
लेकिन आपका ये जो नाम है ना पनौड़ी, और कैसे हो? चलो किसने तो दीपक जी कहा। भाई पनौड़ी तूने जो नाम दिया है मुझे दीपक, वो पूरे इंडिया में भी फेमस हो चुका है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, आप सुबह इतनी जल्दी उठ जाते हो? अरे नहीं यार, मैं एक्चुअली दीपक सुसुकन ने उठा था, और फिर ये पनौड़ी आर्मी के डीएम्स मैंने चेक किए, उनके मैसेजेस आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि उस बंदे का आईडी उड़ गया। तो भैया ये जो पनौड़ी, अच्छा मतलब ये पनौड़ी आर्मी के आपके मैसेजेस आए कि उन्होंने उसकी आईडी उड़ा दी? हाँ, अब इतने रिपोर्ट्स हो गए उसकी आईडी के ऊपर, तो आईडी तो उड़नी है भाई कंटिन्यूसली। अगर सेम आईडी के ऊपर रिपोर्ट होते हैं तो फिर आईडी तो उड़ती है ना। ओके ओके भैया, लेकिन देखो मैं यही कहना चाहूंगा, जाने दो, अगर मुझे कोई गाली भी देता है छोड़ दो, मुझे पता है भैया कि आपको बुरा लगता है अगर मुझे कोई गाली देता है तो, बट यू नो छोड़ो भैया, क्योंकि देखो जिंदगी एक ही बार मिलती है, अगर किसको हमारे साथ बुरा करना है करने दो बुरा। आप तो भैया ये सोचो कि देखो, मतलब मैं भी ये सोचता हूँ कि भाई मुझे प्यार मिला लोगों का, और उसके बाद में आप भी यही सोचो कि आपको भी बहुत सारा प्यार मिला है लोगों का, आप इतने फेमस हो इंडिया में। तो चलो अगर कोई बंदा अगर हमें धोखा देता है, 1.5 लाख रुपए देने का वादा करता है और हमें नहीं देता है, तो भी चलो जाने दो, देखो जो बुरा करेगा वो भरेगा, भगवान है यहाँ पर, हम क्या होते हैं किसका फैसला लेने वाले। उसने तुझे पैसे नहीं दिए, उसका मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन पैसे नहीं देने के बाद भी उसने तुझे गालियां दी। हाँ हाँ हाँ, मुझे वो बात मुझे बहुत बुरी लगी कि भाई पैसे तुझे नहीं देने तो तू मत दे, लेकिन तू गाली तो नहीं दे सकता है ना। नहीं नहीं बराबर है। हाँ हाँ हाँ, और तुम्हें पता है भैया, देखो जब मैंने भैया उनकी कंप्लेन की थी, और जब वो पहली बार लाइव आए थे, आप मुझे सच सच बताओ भैया, क्या मैंने उनको कोई गाली दी? नहीं नहीं दी तूने। लेकिन पता है जब मैंने देखा कि ये बहुत ही ज्यादा गाली दे रहे हैं, तब मैंने इन्हें गाली दी। उस बंदे ने तो ऐसा बोला था तेरे सामने लाइव में कि अगर दीपक कलाल तेरे अकाउंट में 2 दिन में पैसे नहीं आते हैं तो मैं कुत्तों की थाली में मैं खाना खाऊंगा। उसने 4 हजार के सामने ये बोला था, तो उसको मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि अब तू हर रोज कुत्तों की थाली में खाना खा, क्योंकि तूने खुद बोली थी ये बात। भाई देखो, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आके तुम बकचोदिया खेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन किसी ऐसे इंसान को गाली नहीं दे सकते हो कि जो बंदे का फेम खाते हो। तुम्हें पता है भैया, कुछ दिन पहले क्या हो गया, मैं यहाँ पे घूम रहा था तो हट्टे कट्टे हरियाणवी मुस्टंडे आ गए, और उन्होंने कहा सिस्टम पाड़ देंगे, और उन्होंने मुझे उठा लिया भैया, पता है। और उसके बाद में मैं बहुत डर गया कि अभी क्या होगा, तो उन्होंने मुझे उठा लिया और उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ डिनर करो। फिर वो लोग यहाँ पे एक अच्छे हाउस बोट पे रहते थे, पास में ही वो हाउस बोट, वहां पे लेके गए मुझे, उन्होंने उनके डिनर करवाया उनके साथ। लेकिन उनका जो अप्रोच जो था ना, बहुत ही वाइल्ड था, मतलब वो आए और मुझे ऐसे उठा लिया, और मेरा जो बैग में मोबाइल होता है, थैंक्स गॉड मेरे बैग से वो मोबाइल नहीं गिरा, अगर मेरे वो जेब में होता था ना भाई, तो वो मोबाइल मेरा पानी में गिरता था। right. तो दिल्ली के जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन यही है कि मतलब बहुत प्यार करते हैं यार, ऐसी कोई बात नहीं, तुझे लोग बहुत प्यार करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं देखो, मुझे तो लोग प्यार करते वो बात अलग है, लेकिन आपके लिए वो जान दे देते हैं, जैसे मैं अगर ऐसे कहूं कि भाई इसको रिपोर्ट करो, कोई भी नहीं करेगा। लेकिन अगर आप कहो कि भाई इसको रिपोर्ट करो, मतलब देखो जैसे कि आपकी आर्मी है यू नो, लेकिन वैसे मेरी थोड़ी आर्मी है कोई, मेरी कोई आर्मी नहीं है। अरे मेरी आर्मी तेरी आर्मी तो है मेरी जान, तू फिकर क्यों करता है। अच्छा सुबह मैं विनीत भैया के आईडी पे गया था, और मैंने सबको मेरी हाउस बोट दिखाई थी, तो वो टाइम आपने मेरी हाउस बोट देखी थी? हाउस बोट तूने एक बार शायद तेरे लाइव पे तूने दिखाई थी सब लोगों को, 2-3 कमरे हाँ, है हाँ। फिर वो आउटसाइड सीटिंग रूम है, वो सारी चीजें तूने शायद दिखाई थी ना लोगों को। हाँ हाँ हाँ, और मुझे पता हाँ। है भैया आपके स्टैंडर्ड की नहीं है वो हाउस बोट, बट ऐसे कुछ नहीं है, मैंने एक हाउस बोट वाले से बात की है, और वो हाउस बोट जो है वो अच्छे क्वालिटी की है, बहुत ही अच्छी है,
मतलब फाइव स्टार तो नहीं है लेकिन वो थ्री स्टार है वो हाउस बोट, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे वो, और वहां पे हर एक फैसिलिटी है, मतलब वो कहते हैं ना हर एक फैसिलिटी है वहां पे, मतलब ऐसे स्विमिंग पूल वगैरह नहीं है लेकिन बाकी की सब फैसिलिटी है। राइट, तो वो हाउस बोट में मैं आपका स्टे करवाऊंगा। ये देखो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये नजारा, ये देखो, और ये हाउस बोट्स होती है ये। राइट भैया, अभी आप सोना नहीं, अभी क्या करोगे आप, ऐसे कोई करता है क्या? आप आ गए उसके बाद में आप लाइव जा रहे हो, आप वापस सो जाओगे? अभी वापस मत सोना आप, अभी आप नहा धोकर शॉप में जाना। अरे नहीं नहीं दीपक, मैं सो नहीं जाऊंगा जब तक लाइव कंडक्ट कर रहा हूँ। तू अपने फैंस को तुझे जो भी नजारे दिखाने हैं तू दिखा सकता है, मैं तेरे साथ लाइव पे बना रहूंगा। बस ठीक, बस बस। वाह, वो तेरे राखी सावन का दूल्हा। ये देखो, यहाँ पे है ना भैया, अभी देखो ऊपर चांद दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है ना भैया, अभी ये जल्दी सनसेट होगा क्योंकि जैसे जैसे अभी ठंड के दिन आएंगे ना वैसे वैसे यहाँ पे जल्दी सनसेट होगा। राइट, राइट, मतलब पहले मैं गर्मी के दिनों में कितने बजे निकलता था पता है? 6:30 बजे में निकलता था, लेकिन अभी यहाँ पे ठंड होने लगी है तो अभी फिर मैं निकलूंगा ऐसे 5 बजे, और जैसे जैसे और फ्यूचर में ठंड बढ़ेगी ना फिर मैं ऐसे 3:30। और शायद भैया दिसंबर, भैया हाँ सुन रहा हूँ मैं दीपक। हाँ तो मैं आपको बता रहा हूँ ये दुबई का क्या सीन है, मैं आपको सब बता रहा हूँ भैया। उन्होंने मुझे ऐसे कहा कि आप दुबई आ जाओ अभी, तुम मुझे बताओ भैया दुबई का अगर क्लाइमेट गर्म है तो अभी जाने में कुछ मतलब है? तुम मुझे बताओ क्या सेंस बनता है उधर दुबई में जाने का? और उसके बाद में वहां पे बहुत सारे क्लब्स वगैरह कोरोना के चलते फिलहाल 50% बंद है, और आपको अगर समझो कुछ खाना वगैरह खाना है तो आप कमरे में ऑर्डर कर सकते हो, अगर आप रेस्टोरेंट में बैठे तो आपको कुछ डिस्टेंस। ए रुको रुको भैया रुको, नजरा रुको, तो अगर आपको समझो रेस्टोरेंट में वगैरह नजरा, अरे उनसे बात रुको, उनसे बातें करो, भैया क्या हुआ जा रहे? हाँ ठीक है जाओ, हाँ ठीक है चलो। हाँ तो कैसा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या टॉपिक चल रहा था अपना? दुबई का, दुबई दुबई। हाँ हाँ, तो ये दुबई का क्या सीन है पता है क्या? उन्होंने मुझे ऐसे कहा, अरे नहीं नहीं टर्न लो नजरा, टर्न लो टर्न, अरे वहां पे चलो एक नंबर पे। हाँ तो ये दुबई का ऐसा सीन है कि उन्होंने ऐसे कहा कि भाई आप आ सकते हो अभी, तो मैंने ये कहा कि अभी जो है वो गर्मी का सीजन है तो दुबई में अभी जाके क्या फायदा है, मतलब मैंने ये कहा कि अभी दुबई जाना है तो ठंड में जो मजा है वो अभी जाने में नहीं है, क्योंकि दुबई एक हिल स्टेशन है, ठंड में दुबई का जो मौसम है वो कश्मीर जैसे होता है, रजाई डाल के सोना पड़ता है और गुलाबी ठंड होती है दुबई में और काफी खुशनुमा मौसम होता है। तो मैंने क्या सोचा कि अगर अपने को दुबई जैसी जगह पे इनविटेशन है तो क्यों ना वहां पे ठंड में ही चला जाए, तो 3 महीने की वीजा वैलिडिटी होती है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आपके पासपोर्ट डिटेल्स जो है वो भेज दो, और उसके बाद में जब भी आपका मन करे ना 3 महीने में आप सिर्फ हमको 5 दिन पहले या 4 दिन पहले फोन कर दो, हम आपका फ्लाइट का टिकट वगैरह बुक कर देंगे, और वो जो बुर्ज खलीफा है ना तो उसके पास में ही वो मेरा होटल वगैरह बुक करने वाले हैं। और उन्होंने तो मैंने उन्हें कहा वो भैया को कि आप मेरे लिए क्यों ये कर रहे हो, कोई सॉन्ग वगैरह शूट करना है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम आपके वीडियो एंजॉय करते हैं इसीलिए, तो और दूसरा कुछ रीजन नहीं है। और इनफैक्ट एक सॉन्ग भी है उसके डायरेक्टर, वो सॉन्ग प्रोड्यूस कर रहे हैं गुरुदयाल भाटिया, तो उनका भी प्रोजेक्ट, शायद वो लोग तेरी लाइफ पे आए हुए हैं ना एक बार। हाँ हाँ हाँ,
तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना भैया, मैंने है ना उनके साथ उसके बारे में कभी डिस्कशन किया ही नहीं। राइट, अच्छा सुनो भैया, एक मेरे भाई है, उनका नाम है रौनक गुज्जर, तुम्हें पता है ये बिगो लाइव पे आते थे भैया, बहुत अच्छे है, उनका नाम है रौनक, ये 5 साल पहले, ये आपको भी जानते हैं, उनका नाम है रौनक गुज्जर, ये अपने 5 साल पुराने दोस्त है। रौनक भैया ये पनौड़ी है, इनके न्यूयॉर्क में शॉप्स है, इनके 240 शॉप्स है, और रौनक भैया बहुत ही स्मार्ट है, गुड लुकिंग है, और काफी भाईचारा है इनका। रौनक भाई अगर रौनक भाई आप लाइव पे हो तो एक बार रिक्वेस्ट भेज दो यार, प्लीज। रौनक भैया प्लीज आप रिक्वेस्ट भेजो। रौनक गुज्जर, नहीं नहीं अभी मैंने देखा रौनक भैया ने उनकी खुद की लाइव चालू की। अच्छा 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 अच्छा, राहुल भैया भी है कॉल पे, राहुल भैया को लो, राहुल भैया को भी लो कॉल पे, एक मिनट लेता हूँ राहुल को। राहुल भैया मुझे बहुत प्यार करते हैं भैया, मैं सबका लाडला बनना चाहता हूँ, यू नो चाहता हूँ कि यार ये। लेकिन मुझे हंसी इस बात की आ रही है, यहाँ के लोग मुझे बहुत इज्जत करते हैं, और पीछे से एक टकले मतलब मुझे बहुत ही ज्यादा अभी हंसी आ रही है। यहाँ इंस्टाग्राम में दीपक है ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है यार, क्योंकि यहाँ पे तीन एक दो और मैंने किसी को रिक्वेस्ट भेजी थी, वो बंदा आ नहीं रहा है, लेकिन अभी मैं किसी को रिक्वेस्ट भेज नहीं पा रहा हूँ, क्यों नहीं पता नहीं क्यों। ओनली 3 guests कैन बी इन योर लाइव रूम, अभी तीसरा तो कोई है ही नहीं, फिर भी ऐसा दिखा रहा है यहाँ पर। पारस भैया भी आए हैं, पारस भैया। अरे हाँ, मैं सबको लेने की कोशिश कर रहा हूँ दीपक, लेकिन यहाँ पे ये पता नहीं लाए मैं क्या पर। ये लाइव चलाना मतलब है ना यार, बहुत ही नहीं, अरे मुझे खुद पता है कि तुमने कभी जिंदगी में लाइव चलाई नहीं, तुम हमेशा मेरे लाइव पे आते थे, तुमने जिंदगी में कभी भी लाइव नहीं चलाई, मुझे सब पता है, ये तो तुम अभी अभी चला रहे हो। देखो मैं अभी यहाँ पे 5 घंटा बैठा हूँ, मैं अगर भैया को और कहूंगा ना कि मैं पैसे बढ़ा के दूंगा, मुझे और 2-3 घंटा घुमाओ, तो वो 7-8 घंटा भी घुमाएंगे। राइट राइट राइट, यहाँ पे यार लेकिन ये आदिल का वैसा नहीं है, आदिल का बहुत ही ज्यादा टाइट रहता है, मतलब वो 1.5-2 घंटे के ऊपर नहीं घुमाता है आदिल। तो आदिल को इस बार तूने आदिल के साथ नहीं घूम रहा है तू इस बार? नहीं नहीं ऐसे नहीं है, मैं आदिल भैया के साथ भी घूमता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अभी वो बिजी रहते हैं ना कस्टमर को लाना। देखो ये भैया जो है ये मजदूरी करते हैं, बराबर है, तो इनका काम है ये जो दलझील है ना, तो इसका ये करना, मतलब जो घास वगैरह होती है दलझील में उसका क्लीनिंग करना, ये इनका काम है। तो ये क्या करते हैं, सुबह घास फूस सब क्लीनिंग कर लेते हैं और फिर ये फ्री रहते हैं, तो ये मुझे घुमाते हैं। राइट राइट। अभी ये आदिल जो है ये क्या करता है, ये शाम को कस्टमर लेकर आता है, जैसे रस्ते पे जो लोग खड़े रहते हैं उनको पूछता है कि भाई हमारी हाउस बोट है, आप हमारे हाउस बोट पे चलो, तो आदिल जो है वो लोगों को लेकर आता है। राइट। तो अगर ये मुझे घुमाएगा आदिल, तो फिर उसके वो कस्टमर नहीं आएंगे, चले जाएंगे, इसको ढूंढ ढूंढ के कस्टमर लाने पड़ते हैं, फिर इसीलिए मैं आदिल के साथ इतना नहीं घूमता हूं। ये यार कोई ऐड नहीं हो पा रहा है दीपक, पता नहीं ये, एक मिनट, नीचे से बोलेंगे तो राहुल भैया को हम ग्रीट करेंगे, जितने भी लोग आएंगे उनको हम नीचे से ही ग्रीट करेंगे। प्रॉब्लम ये है यार कि यहाँ पे जैसे सुमित नारंग भैया आए हैं, अरे सब आए हैं, लेकिन यहाँ पे ओनली 3 guests कैन बी इन योर लाइव, अरे यार ऐसा लिखा हुआ क्यों आ रहा है पता नहीं चल रहा है मुझे। नहीं नहीं तो अभी आप एक को तो ऐड कर सकते हो ना,
यहाँ पे तीन लोग क्या चूतिया पाएंगे। पनौड़ी भैया, आपके घर में सर्वेंट है जो खाना बनाने के लिए आती है? सर्वेंट नहीं दीपक, नहीं है। मैं हर रोज अमेरिकन फूड खाता हूँ। कल रात को मैंने खाया था टाको बेल खाया था, एंड कल मैंने थोड़ा मैकडॉनल्ड्स का फूड खाया था। ओके ओके। तो भैया गुजराती जो खाना होता है वो तो बहुत ही सिंपल होता है, तो आपको आप गुजराती खाना नहीं खाते हैं? गुजराती खाना खाता हूँ, लेकिन अभी वो मेरे मम्मी पापा और वो सब लोग इंडिया गए हैं ना दीपक, को वो अभी वो लोग चले गए इंडिया। बराबर है। हाँ हाँ हाँ। तो अभी एवरी संडे को मैं वो मम्मी के घर जाता था गुजराती खाना खाने के लिए, ठूस ठूस के मैं खाता था संडे को। लेकिन अभी तो वो इंडिया गए हैं, तो हर रोज यही कुछ ना कुछ अमेरिकन फूड खा लेता हूँ। तुम्हें पता है भैया, मुझे है ना गुजराती खाना पसंद है, लेकिन मैं पंजाबी खाना नहीं खाता हूँ बिल्कुल भी। ये पंजाबी खाना जो है ना, ये मुझे बहुत ही हेवी लगता है। और आज से तुम्हें पता है, अभी इतनी ठंड बढ़ रही है, आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब कल से तो भाई मुझे स्वेटर पहनना पड़ेगा। मतलब जिसे कहते हैं ना, ठंड अभी चालू हो गई है भाई। तो जितने भी यहाँ पे लोग हैं जो कश्मीर आने की प्लानिंग कर रहे हैं भाई, उनको मैं बता दूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आज यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है मुझे। मैं तो अभी कमरे में जाने वाला हूँ, और मैंने जॉकी का इनर लिया है, तो मैं वो जॉकी का इनर पहनने वाला हूँ भाई। ठंड तो है, अभी चालू हो गई है, आज से चालू हो गई है भाई। देखो मेरे कमरे में फैन तो नहीं चलता है, लेकिन अभी मैं फैन तो नहीं चलेगा, लेकिन हाँ भाई स्वेटर पहनना पड़ेगा। और आप बिलीव नहीं करोगे, अगले महीने से, नवंबर से, यहाँ पे भाई कमरे में आग करनी पड़ेगी, कोयले की आग। और दिसंबर में भाई सिस्टम बहुत खराब होता है यहाँ पे। दिसंबर में आपको 24 घंटे घर में बुखारी करनी पड़ती है, तो दिसंबर में यहाँ पे स्टे जो है वो 6-7 हजार रुपए महीने से बढ़ जाएगा, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड है उनको कोयला लाना पड़ेगा, या फिर उनको कोई इलेक्ट्रिक चीजें, मतलब ये वो करना पड़ेगा, तो इसीलिए। बट अगर आप मुझे पूछोगे कि भाई कश्मीर अभी आना चाहिए क्या, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, इतना सेक्सी, इतना तगड़ा क्लाइमेट है अभी कश्मीर का आज की तारीख में। बस आप थोड़ा एक छोटा सा हल्का सा स्वेटर लेके आना। राइट, वाओ। तुम्हें पता है भैया, अभी एक दो दिन में मैं जा रहा हूँ सोनमर्ग। वो सोनमर्ग तो जगह तो बहुत ज्यादा ठंडी है। हाँ, वो कितनी दूर है? जब जहाँ भी तू जहाँ पे रहता है, वो यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहां पे मेरा सेलिब्रेशन होने वाला है केक का, वहां पे मेरे केक कटाई का सेलिब्रेशन होने वाला है। तो मैं सोनमर्ग में 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, वो बहुत ही ज्यादा ठंडी जगह है, तो मुझे साथ में सब लेके जाना होगा। क्या कहते हैं, अपना स्वेटर, उसके बाद में जो भी है वो सब मुझे लेके जाना होगा, वो बहुत ज्यादा ठंडी जगह है। दीपक, बहुत सारे लोग ऐड होना चाहते हैं यार, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ किसी को। ठीक है भैया, नो प्रॉब्लम, जैसे आप चाहे। तो मैं बहुत खुश हूँ, एक्चुअली मैं पहली बार आपकी आईडी पे आया हूँ, लेकिन भैया आपसे बात करके मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और मैं भी अभी कमरे में जा रहा हूँ, वहां से मैं स्वेटर उठा रहा हूँ। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, पनौड़ी भैया हम आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं, और दीपक कलाल आपको सबके सामने प्यारी सी पप्पी देना चाहता है। टाटा भैया। थैंक यू दीपक, थैंक यू सो मच भैया, लव यू भैया, टाटा बाय। यार यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, इसीलिए मैं किसी को ऐड मत कर पा रहा था। जिंदगी में बहुत सारे दुख दर्द झेल झेल के मैं यहाँ तक भोसड़ी वालों आगे बढ़ा हूं, लेकिन तुम कभी सपोर्ट मत करोगे। रुको, अभी देखता हूं कि सुबह सुबह में किसको गालियां खानी है। रुको।
माचोद देंगे, सिस्टम सिस्टम हिला देंगे सब। चौथ रोको एक मिनट, अभी आ रहा है सब कुछ। हाँ अभी ऐड हो रहे लोग। आ जाओ अब गालिया। अरे आ जा पोसड़ी के। इन लोगों को रिक्वेस्ट में भेजता हूं, बाद में ये लोग आते मत है। हेलो आके चला गया है। यार बात यह है भाई, मैं इसलिए लाइव आया था एक्चुअली कि किसी को उसकी औकात दिखानी थी कि उसका आईडी उड़ा दिया, तो अच्छा लग रहा है मुझे कि मेरे हिजी दीदी का मैंने बदला लिया। बहुत ही मुझे सुकून मिल रहा है अभी, बहुत ही सुकून मुझे मिल रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है मुझे बॉडी में। अरे राहुल तुझे ऐड कर रहा हूं यार, तू ऐड ही नहीं हो पा रहा है, क्या करूं। क्या हो रहा है तेरी आईडी में? अरे पता नहीं यार वो कर रहा है, ऐड ऐड बोल रहा हूँ मैं, कहाँ बिजी है लग रहा है। हाँ वही प्रॉब्लम, मैंने प्रॉमिस किया था ना राहुल तुझे कि मैं आईडी उड़ा दूंगा। हाँ उड़ गई उसकी आईडी, आईडी उसकी उड़ गई। जतन बनाओ, माँ चोद देंगे, सिस्टम फाड़ देंगे। तो इसमें ऐड क्यों नहीं हो रहे दो के अलावा तीसरा? अरे नहीं वो कल रात को मैं लाइव आया था ना और प्रॉब्लम हो रही थी, तो हाँ वो सेम प्रॉब्लम अभी भी हो रही है अभी। अच्छा, हाँ आप इस सरदार की आईडी भी उड़वा, ये भी बहुत गांड पंगे ले रहा है, इसको भी फॉलोवर्स बढ़वाने के चक्कर में ये बहुत ड्रामा कर रहा है। इसकी सरदार की उड़वानी? हाँ इसकी बनोड़ी आदमी को बोल, इसकी भाई सारे रिपोर्ट करो, ये भी बहुत गंद मचा रहा है। बहनचोद मेरे को पर्सनल फोन करके कहता है और बात करता, मैं लीड लगाने लगा, रिकॉर्डिंग करी, मुझे गालियां बगे अपनी स्टोरी पे लगा दी। इसकी बहन की चूत में लंड चढ़ाता हूँ, रुक जा गलत है, अभी उड़ेगी ना तेरे को, तेरे फॉलोवर बढ़वाता हूँ, रुक जा बहन के चुदाने। आप तेरी उसकी उड़ानी है, उड़वाओ उसकी, उड़वाओ बोल जरा इसके लिए भी, ये बहन कड़ा तेजी पकड़ रहा है यार। राइट भाई गलत, देखो गाली देने या गाली खाने से कुछ प्रॉब्लम मत है, लेकिन दीपक को आप गाली दोगे वो भी सीरियस झगड़ा करोगे तो भाई मैं तो माचोद दूंगा, सीधी बात है यार। दीपक को हकीकत में कोई गाली मत दे यार, वो बहुत ही अच्छा बंदा है यार, आपको हंसाता है, इतना परेशान हो जाता है, लोग उसे इतना तंग करते हैं, पहले उससे वादे कर देते हैं, लेकिन दीपक को आप कोई भी उल्टा सीधा ना बोले, ये रियल बात है, दीपक असली में बहुत बढ़िया बंदा है यहाँ पे। हाँ हाँ बहुत खुश हूँ आज मैं, बहुत खुश। तू वो सड़ी के लोगों की बात चलवा के खुशी होता है। सही है, जब तू खुश है तो हम भी खुश है, अपनी मार्च पाए। कोई दिक्कत नहीं, सुबह सुबह स्पेशल स्पेशल आया तू बहनचोद बताने के लिए। अरे मुझे, मैं अभी उठा ना तो मुझे पनौड़ी आर्मी के बहुत सारे मैसेजेस आ रखे थे, तो सारे मैसेजेस में एक ही बात लिखी थी कि भाई आईडी गया उसका। हाँ मेरे को भी मैसेज आ रखे हैं बहुत सारे। हाँ पनौड़ी तो आर्मी भी आए हुए हैं और वैसे भी आए हुए हैं। हाँ तो फिर मैंने चेक किया, तो मैंने सोचा भाई चलो लाइव पे जाके किसी के दुख में ज्यादा नमक डालते हैं। हाँ
वो मैं तो गुरप्रीत सिंह अपने आप ही लिख के स्टोरी में बैठा हुआ, राहुल और पंडित जी और सरदार रात को फाइट है, तेरी मैं बहन को चोदू तू फॉलोवर बढ़ाने के चक्कर में, तेरी आज मां चुदेगी तेरे को भी बताएंगे भोसड़ी के, अभी पता चलेगा तुझे गुरप्रीत सिंह 555 555 चोद दो इसकी मां साले की। गालियां तो मैंने गालियां लिखने को बोला था ना, लोग गालियां लिख रहे थे, अब इसको बहन के लंड को उड़ाओ जरा दूसरी आईडी से देखना है इसे, मुझे बहुत दिन हो गए। देखो जी हम इतनी गालियां बकते हैं पनोड़ी और मैं तो बहुत गालियां बकते हैं, हमारी आईडी आज भी कल उड़नी उड़नी, हमें कोई पर टेंशन नहीं है, लेकिन दो चार की मां चोद के मरेंगे। हाँ वो बात तो पक्की है भाई, हमारी तो उड़नी उड़नी है क्योंकि हम गालियां इतनी बकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हमारी उड़ जाए लेकिन लोगों की गांड फाड़ के दो चार को लेके मरेंगे ना, जब भी मजा आएगा। हेलो नीचे भाई लिखो, जीसु को भी ऐड होनी है, ऐड कड़ी लिखो लिखो भाई ऐड कड़ी। आज तेरी नींद खुल गई है तो सोएगा नहीं, शॉप पे भी तो जाना होगा, थका फिर थकावट आएगी, सो जा। नहीं नहीं अभी तो मैं सो जाऊंगा यार, अभी तो मैं उठूंगा 12 बजे। हाँ अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है यार, अरे भोसड़ी वालों तुम लोग वो आशिमा को मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हो, माधर चोदो वो गर्लफ्रेंड है मेरी। अरे उसकी भी आईडी उड़ गई ना आशिमा की, आज चेक करा ली मैंने, नहीं आएगी, किसी ने उसकी यार आईडी में छेड़खानी कर दी यार, जो गलत बात है लोगों की यार। तो अरे यार ये आशिमा को गाली मत दो आर्मी वालों, वो मेरी गर्लफ्रेंड है यार, वो यूएस आ रही है, तुम ऐसे ही कुछ भी गाली मत दो किसी को। ओके एक मिनट रुको, आशिमा को ऐड करता हूँ, आशिमा को ऐड कर ले, अब तो ऐड हो रही है भोसड़ी के, पहले ऐड नहीं हो रही थी, तू भी गांडू झूठ बोलता है। अरे नहीं अब किसी को पनोड़ी आर्मी को समझाओ मुझे गाली मत बको। अरे पनोड़ी को किस कर, यहाँ पे पनोड़ी को यहाँ पे पनोड़ी को किस कर दो बस खत्म बात। अरे यार मैं तो किसी को कुछ नहीं कह रही यार, पनोड़ी आर्मी मुझे क्यों फालतू बोल रही है यार, मैं तो पनोड़ी आर्मी जिंदाबाद बोलती हूँ। अरे भाई पनोड़ी आर्मी आशिमा को तंग मत करो यार, मत करो यार, मत करो भाई प्लीज मत करो। मुझे तो सच में पनोड़ी आर्मी पे कई बार शक होता है, कहीं इन्होंने ना उड़ा दी हो मेरी आईडी। अपने आप ही ऐसा कुछ नहीं है, नहीं यार ये तो तुम्हारा किसी पनोड़ी ने लाइव पे बोला था, मजाक में ही बोल दिया था एक बार पनोड़ी ने कि आशिमा तेरी आईडी उड़ाऊंगा मिर्ची खा। मैंने कभी ऐसा बोला था? विनीत की लाइव पे बोला था आपने, याद करो। पनोड़ी मेरी बात सुन ले, अब तेरे बोलने से लोगों की गांड फटनी अब चालू हो गई है। भाई मेरी तो फटती है भाई, मैंने तो देख लिया रात की आईडी में बात ही। दीपक भी कह रहा है, दीपक भी कह रहा है ऐसा मत कर। और क्या यार, अरे नहीं नहीं यार दीपक तो बढ़िया आदमी भाई है हमारा यार। मैंने एक तेरे को कहाँ चली सवारी, इसको बहुत रिपोर्ट किया है, देखो अभी भी पनोड़ी आर्मी लिख रही है मेरे लिए। वो पनोड़ी आर्मी नहीं होगी जो लिख रही होगी, और कोई होगा। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम लोग मेरे टारगेट मत करो, नहीं तो पनोड़ी तुम लोगों को उड़ा देगा सबको। ये क्या लग गया बहन का थोड़ा फट भाई। अरे गुरप्रीत सिंह की आईडी कोई नीचे देना जरा, पिन करेंगे एक बार गांड पार। ये पिन कैसे होती है भाई, एक मिनट रुको, उसी पे दबा के नेम के ऊपर टैप करूं उस पे पिन कमेंट आता है। अभी गुरप्रीत की आईडी लिखना भाई कोई, @ गुरप्रीत सिंह 555 555। अब गुरप्रीत की आईडी उड़ा रहे हो आप लोग। एक मिनट गुरप्रीत के कितने फॉलोवर्स कितने हैं वो तो बताओ मोटे भैया। 7,000। अरे गुरप्रीत बहुत गालियां देता है यार, अरे वो शराब पी पी के अब गांड पंगे लेता रहता है, बहन चो शराब पी पी के किसी को भी गाली बकता है, सबको बकता है साला। ये आ गई गुरप्रीत की, देख @ गुरप्रीत सिंह गालियां बकता है, उड़ा दो उसकी तो मुझे काम नहीं पता।
आशीमा, अरे यार इसको कैसे, ये यार आता नहीं है मुझे पीन करना। गुरप्रीत सिंह क्या है 5555? अरे हाँ, लोगों ने नीचे लिखा है, लेकिन यार चल कोई नहीं। आदित्य पहले अपनी पनोड़ी आर्मी को समझाओ कि मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। बोल दो एक बार। तुम्हें कोई बोल भी रहा है तो अपने आप ही बोलेगा, कोई भी नहीं लिख रहा आप गाली। तो भाई पनोड़ी आर्मी, मैं यासीमा को डेट करने वाला हूँ, तो प्लीज यार उसको गाली मत दो। हाँ, मत दो मुझे गाली। अरे भाई मैं उसका प्रमोशन नहीं कर रहा, वो बैंक का लोड़ा डीएम पे आके मेरी वीडियो बना रहा है। मैं अपनी माँ की कसम खा के कह रहा हूँ, वो बेवजह कोई अजीब अजीब बात करता है, और कभी किसान आंदोलन के लिए मेरे को उल्टा उल्टा उकसाता है, और जान के डीएम पे बात करता है। मैं उससे कोई बात करता हूँ तो वो वीडियो बना के स्टोरी पे डाल रहा है, तो इस चक्कर में मेरी उससे गांड गलप रही है, और कोई बात नहीं है। और मैं सामने तो कल उसकी, आप सब भाइयों ने देखा ही है कि कल उसकी कैसी बहन चोदी थी, रोने बैठ गया था वो। कल तो रुला तो दिया था रात को उसे 3-4 बजे, लेकिन वो बहन का बड़ा वीडियो बना लेता यार, वो मेरे को उसका दिमाग समझ नहीं आ रहा। कौन है? राम राम भाई, राम राम। ये गाना किसका चल रहा है? अरे धीरे करना, मेरी साइड भाई कहाँ से हो? ये टोपी वाले भैया भाई, मैं दिल्ली से हूँ। कहाँ से हो? दिल्ली, दिल्ली। अच्छा अच्छा, कैसे हो भाई दिल्ली में? राहुल भाई। हाँ भाई, तुमने तो पूरा आतंकी मचा रखा है दिल्ली में, क्या बात है भाई। नहीं भाई, मैंने दिल्ली में पूरे इंडिया में तूफान मचा रखा है। पनोड़ी भाई। हाँ बोलो। और क्या हाल है भाई वहाँ पे न्यूयॉर्क में? बस यार हाँ भाई, अब बताओ कौन आ जाएगा। हाँ पहली बार तो भाई धन्यवाद आपको आज करने के लिए यार। दिल्ली से पास हो भाई यार। पनोड़ी का सोने, राहुल भाई पनोड़ी का सोने का टाइम। हाँ हाँ भाई, हाँ भाई देखो एक स्क्रीन शॉट हो जाता है। आपकी शक्ल तो दिख नहीं रही, फोटो कहाँ लगाओगे आप? अंधेरे में खड़े हो आप भाई, रोशनी में आओ जा तो कमेंट ऑफ कर देना। लो अभी हो गया अब गांड के निशान हो गया भाई, हो गया। ओके चलो भैया, नमस्कार। बनोड़ी किसी और को ले लो। मैंने अभी तो मैं भी गाली नहीं दूंगा, ऐसे ही बात। कोई बात नहीं, रात को आऊंगा मैं तो आराम से। किसको? एक अजय सिंह है, और कौन है? अजय सिंह कर ले ऐड ऐसे ही बच्चे को यार, बढ़िया बंदा है। क्या लिखा है पनोड़ी आर्मी ने? राहुल भैया उस टट्टी की औकात नहीं है हमारे सामने। ठीक है भाई भाई, वो पता डीएम करता है इस चक्कर में, मैं उसको कर रहा हूँ पनोड़ी आर्मी वालों। सही कह रहे हो आप कि उसकी औकात नहीं है बढ़वे की, लेकिन वो अपनी माँ ज्यादा चुदा रहा है। डीएम करता है, रिकॉर्डिंग करता है यार वो, और कोई बात नहीं। क्या हुआ? पनोड़ी आर्मी कह रही है कि राहुल भैया उसकी औकात नहीं है गुरप्रीत की। अब मैं क्या पनोड़ी रिकॉर्डिंग राहुल भैया कैसे हो? आप कैसे हो बनोड़े यार? तो आपको दिखा नहीं रहा मैं कितना कमेंट कर रहा हूँ कि हेड बिना देखे थोड़ी ऐड हो गए तुम बनोड़ी है। अरे यार यहाँ पे इतने सारे लोग कमेंट्स करते हैं ना। अरे जा पहले बहन चुदवा, 500 का बैटरी खराब हो गया, नेट खराब हो गई। ओ नेट पापा का बच्चा आ गया, नेट का इश्यू हो गया भैया। तुम आशीर्वाद तुम कहाँ जा रही हो? नाइट की है ड्यूटी आज यार, ये सुधरेगा नहीं राहुल कभी।
पनोड़ी कह रहा है मुझे, बोलता रहा कर कुछ ना कुछ, पर ठीक है भाई। पनोड़ी पनोड़ी मेरे खिलाफ नहीं बोल सकता कुछ है जो जहाँ पे पनोड़ी ने नहीं बोला मेरे खिलाफ। पनोड़ी मुझे कह रहा था ना कि तू बोल दे फिर वहाँ पे, मैं बोल देता हूँ, एक ही बात है। अच्छा अच्छा यार तुम लोग कॉल पे नहीं आते हो, डिक्लाइन कर देते हो यार। ओए तेरे पनोड़ी तेरी बात मेरी बात सुन ले, वो तेरी पूजा को वो मयूर अपनी माँ चुदा रहा है, तो गलते गलते मैसेज लिख के रंडी का बच्चा। मयूर तो सुबह भी नहीं आया था भाई, लड़ने दो उन लोगों को। मैं तो चाहता हूँ इंस्टाग्राम पे बहुत सारी लड़ाई आओ, मैं तो ये चाहता हूँ जितनी भी लाइव चलती है ना सारी लाइव के ऊपर झगड़े ही होने चाहिए, मैं तो ये चाहता हूँ, तो लड़ने दो उन लोगों को। राहुल एक बार ना लाइव के बाद ना पनोड़ी से बात कर लेना कॉल पे, एक बार वो कुछ समझाना चाहता था, बात कर लेना एक बार। हाँ 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 कोई बात, ऐसा क्या है पनोड़ी जो तू मेरे को यहाँ पे नहीं समझा सकता है कुछ ऐसी बात है भाई बता, अब बता ऐसे तू क्यों कर रहा है मत, मैं बताऊंगा तुझे ये लाइव खत्म होने के बाद, ऐसे हाँ। भी मैं सो जाऊंगा थोड़ी देर, तो लाइव को खत्म करना गांड मार, अब क्या करना है, रात को आराम से करेंगे मजे से। हाँ भाई देखो मैं तो इसलिए लाइव रहा था कि उस बंदे का आईडी उठ गया है एंड रेस्ट इन पीस मिस्टर विक्रम प्रधान बेचारा। अरे छोड़ यार, अब गालियां बोलो मुझे, अब तू मुझे गाली बोलेगा लेकिन वो गाली सुन के मुझे बहुत हंसी आएगी और वो गाली पे मैं डांस करूंगा क्योंकि अब तेरी गांड के नीचे आग लगेगी, यही पनौड़ी की औकात है। ठीक है चलो गाइस मिलते हैं फिर दो तीन दिन के बाद, लाइव चालू करता हूँ मैं उसमें गालियां। बाय 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 आशीमा बाय बाय बाय।